हाय गाइस वेलकम नोटिफिकेशन के बारे में यहाँ पे फिर से हो रही है, अप्लाई कर सकता है क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होने वाली है और कौन से रोल के लिए यहाँ पे हायरिंग शुरू है तो डिटेल में देखेंगे आप लोगों को कैसे अप्लाई करना है उसके लिए आप लोगों को वीडियो को लास्ट तक देखना होगा और अगर चैनल पे न्यू हो तो डू सब्सक्राइब अवर चैनल फॉर लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन स्टार्ट करने से पहले अभी तक आप लोगों ने आई बी सिस्को और माइंड्री और एस में अप्लाई नहीं किया होगा तो वहां पे भी अप्लाई कर लीजिए उसके लिंक भी आप लोगों को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी ठीक है अब बात करते हैं आज की अपनी पहली जॉब नोटिफिकेशन के बारे में जो कि आई है टी कंपनी की तरफ से तो यहाँ पे टीसीएस ऑफ कैंपस फॉर ईयर ऑफ पासिंग टू थाउजेंड एंड टू के लिए हायरिंग शुरू है और रजिस्ट्रेशन स्टेटस अभी तक ओपन है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हैं और यहाँ पे आप लोग देख सकते हो यहाँ पे नोट में गिवन है टी ऑफ कैंपस हायरिंग टेस्ट आर ऑन गोइंग टू इनवाइट इमिडियट जॉइनर एंड वील बी कंडक्टेड इन कंटिन्यूस बैच डिपेंडिंग ऑन द डेट ऑफ योर रजिस्ट्रेशन तो जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए टीसीएस कंपनी में अब टेस्ट पैटर्न की बात करें यहाँ पे तो आप लोगों के दो पार्ट रहने वाले एक रहने वाला है कॉग्नेटिव स्किल और एक सेकेंड जो रहेगा वो रहेगा प्रोग्रामिंग तो कॉग्नेटिंग स्किल जो रहेगा उसमें वन ट्वेंटी मिनट्स की आपकी टेस्ट होने वाली है जिसमें न्यूमेरिकल वर्बल और रीजनिंग एबिलिटी तो ये होने वाली आपकी वन ट्वेंटी मिनट्स की और जो सेकेंड पार्ट है वो आपका प्रोग्रामिंग रहने वाला है जो कि सिक्सटी मिनट की होने वाली है और जिसमें प्रोग्रामिंग लॉजिक और कोडिंग सेक्शन होने वाला है दोनों टेस्ट मिला के आप लोगों का वन एटी मिनट्स की टेस्ट होने वाली है अब यहाँ आप पे अपन देख लेते हैं कौन कौन यहाँ पे अप्लाई कर सकता है तो परसेंटेज की यहाँ पे बात करें तो आपका सिक्सटी परसेंट चाहिए थ्रू आउट दी

एक्सपीरियंस ऑफ अप टू टू ईयर आर एलिजिबल टू अपलाई फॉर द टी सी एस ऑफ कैंपस हायरिंग प्रोसेस एज यहाँ पे आपकी एटीन टू ट्वेंटी एट ईयर ऑफ एज टू बी पार्टिसिपेट इन टी सी एस ऑफ कैंपस प्रोसेस अब यहाँ पे कोर्स एंड डिसिप्लिन की अपन बात करें तो यहाँ पर बी ई बी टेक एम ई एम टेक एन सी एम एस सी फ्रॉम एनी स्पेसिफिकेशन ऑफर बाई रिकोगगनाइज यूनिवर्सिटी और कॉलेज आर एलिजिबल तो यहाँ पे कोई भी ग्रेजुएट की अप्लाई कर सकते हैं जो कि बीई ई बी टेक एम ई एम टेक एम सी ए और एम एस सी के है कोई भी स्पेसिफिकेशन वाले यहाँ पे अप्लाई कर सकते हैं अगर आप लोगों को टीसीएस में अप्लाई करना है तो जस्ट रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है देन ये वाला पेज आ जाएगा यहाँ पे भी आप लोगों को रजिस्ट्रेशन नाउ पे क्लिक करना है देन यहाँ पे आपको डिसाइड करना है, है। को तो आई टी या बी पी एस अगर आप लोगों को कोडिंग का नॉलेज होगा तो आप लोग आई टी यूज़ कर सकते हो और नॉन कोडिंग वाले बी पी एस यूज़ कर सकते हैं जस्ट आप लोगों को यहाँ पे पूरी डिटेल फिलअप करनी है और आप टीसीएस कंपनी में अप्लाई हो जाऊंगे तो ये थी टीसीएस कंपनी के बारे में अब चलते हैं अपनी सेकेंड जॉब नोटिफिकेशन जो कि इन्फोसिस कंपनी की Infosys तरफ से आई है बट उससे पहले मैं आप लोगों को एक चीज बता देती हूँ अगर आप लोगों को फाइव टू फोर्टी लाख का पैकेज चाहिए होगा या फिर आप लोगों को फुल स्टैक डेवलपर बनना वो भी बिना किसी फीस के तो आप लोग न्यूटल स्कूल की वेबसाइट चेकआउट कर सकते हो उसकी लिंक आप लोग को डिस्क्रिप्शन से मिल जाएंगी आप लोग वहां से जाके चेक कर सकते हो तो चलो चलते अपनी सेकेंड जॉब पे इंफोसिस कंपनी की तरफ से तो यहाँ पे देख सकते हैं इन्फोसिस हायरिंग ग्रेजुएट ऑफ 2019, 2020, 2021 एंड 2022 फॉर द रोल ऑफ सिस्टम इंजीनियर एंड ऑपरेशन एग्जीक्यूटिव यहाँ पे जो भी इंटरेस्टेड है बीएससी, एस वाले या फिर डिप्लोमा या इंजीनियरिंग कोई भी ग्रेजुएट यहाँ पे अप्लाई कर सकता है यहाँ पे लास्ट डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन है थर्ड अप्रैल वो जो कि संडे को है यहाँ पे गिवन है कैंडिडेट शुड नॉट हैव पार्टिसिपेट इन द इन्फोसिस लिमिटेड एंड इन्फोसिस ग्रुप कंपनी सच एज़ इन्फोसिस बी पी एम सिलेक्शन प्रोसेस इन दी लास्ट थ्री मंथ अगर आप लोगों ने लास्ट थ्री मंथ से अगर पार्टिसिपेट किया होगा तो यहाँ पर आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते हो सिलेक्टेड कैंडिडेट विल भी रिसीव मेल फ्रॉम रिक्रूटमेंट टीम वंस प्रोफाइल इज सिलेक्टेड ओके तो यहाँ पर जस्ट आप लोगों को क्या करना है अगर आप बी एस सी ए या फिर डिप्लोमा या फिर इंजीनियर वाले स्टूडेंट हो तो यहाँ पर आपको जस्ट जो भी फील्ड के स्टूडेंट हो आपको उस पर क्लिक करना है लिंक पर क्लिक करने के बाद में एक सर्वे फॉर्म आ जाएगा जिसमें आपको आपकी डिटेल फिलअप करनी है कैंडिडेट नेम कैंडिडेट ईमेल एड्रेस देन फोन नंबर एड्रेस उसके बाद में डेट ऑफ बर्थ रोल नंबर आपका जो कॉलेज का रोल नंबर है वो फोटोग्राफ देन रिज्यूमे एजुकेशन डिटेल फिलअप करनी है, ये आपकी पूरी डिटेल भरनी है तो सबसे पहले आप लोगों को यहाँ पे चेक बॉक्स पे क्लिक करना है और एक्सेप्ट करना है एक्सेप्ट करने के बाद में आपको ये पूरा फॉर्म फिलअप करना है फिलअप करने के बाद में आप लोग इन्फोसिस कंपनी के लिए भी रजिस्टर हो जाओगे ये थी आज की अपनी टू लेटेस्ट जॉब नोटिफिकेशन जल्दी से जल्दी यहाँ पे अप्लाई कर लीजिए यहाँ पे बल्क में हायरिंग हो रही है तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में थैंक यू